गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस टोनर को तोड़ कर देखेंगे कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है कि इतना ये महंगा आता है। तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं गाइस। ये वाला टोनर जो है इस वाले प्रिंटर का है, HP MFP 1200W। आप इसका मॉडल देख सकते हो, यही वाला टोनर जो है लगता है यहाँ पर। और गाइस, जब भी आप अपना टोनर जो है डालते हो गाइस, तो इसको जब आप घुमा देते हो और घुमाने के बाद जब भी आप इसको पूरा का पूरा फिल कर देते हो गाइस, तो ये जब आप निकाल लेते हो ना इसे घुमा करके, और उसके बाद जब इसको फिर से लगा करके और घुमाओगे तो ये नहीं घूमता है गाइस, ये लॉक हो जाता है टोटली जब ये जो है रिफिल सही से हो जाता है। तो गाइस चलिए इसको हम तोड़ कर देखते हैं। सबसे पहले तो गाइस ये बहुत मशक्क़त के बाद मैंने ये तोड़ दिया था और उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ गाइस। सबसे पहले तो हम इसी को हम निकालेंगे बाहर, और चलिए इसको निकाल लेते हैं बाहर की तरफ। ये कहाँ से निकल नहीं पा रहा, चलिए दिखाते हैं गाइस। अब देख सकते हो गाइस, तोड़ने के बाद कुछ ऐसा इसमें से निकला गाइस अंदर से, और ये एक पंप की तरह है गाइस। और इसका अंदर हम देख लेते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। इसके अंदर की तरफ अगर देखे गाइस तो यहाँ पर हमें शायद कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से दिखा है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अलावा सारा का सारा काम जो है गाइस इसका है। ये वाला जो है आप देख सकते हो किट, इसका ही काम होता है गाइस, जो कि इसमें जब आप लगाते हो तो ये इसको सेलेक्ट करता है, उसके बाद ही ये रिलोड होता है। और गाइस इसके बाद काम आता है इसका, इस वाले सेक्शन का। ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है CI को मतलब ठेलता है, नीचे की तरफ डालता है कि इसमें ये जो है CI है चला जाए। तो गाइस बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस रिलोडर में। इसी का जो है दाम आप देते हो गाइस 850-850 रुपये करीब में। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।